दुनिया भर से आए 25 लाख मुसलमान आज हज अदा कर रहे हैं और अराफात के मैदान में हो रही है नमाज हज। ऐ इब्राहिम, तेरी जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर, ये आदेश था रब्बुल आलमीन का। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले अपने फर्जंद को लेकर कुर्बान करने। अपने बेटे की आंखों पर बांधी गई पट्टी और अल्लाह का आदेश मानते हुए अपने बेटे की गर्दन पर चलाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी। इब्राहिम की मोहब्बत देख रब्बुल आलमीन को भी आ गया तरस और बरसा दी रहमत। बेटे के गले बेटे की जगह रख दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुम्बा यानी घेटा। और इस तरह अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कर लिया कबूल और उसी दिन से दीन इस्लाम में कुर्बानी को कर दिया गया वाजिब। हर साहिब निसाब मुसलमान के लिए ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी करना है वाजिब। अल्लाह की राह में अपने जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करना, यही है कुर्बानी का मफहूम। कुर्बानी के जानवर को पाला जाए और इतनी मोहब्बत की जाए उससे जितनी अपनी औलाद से करते हैं, और फिर अपने हाथ से ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी देना, इसी का नाम है अल्लाह की राह में कुर्बानी। किंतु वक्त बदलता गया, समय की धाराएं बदली और रीति रिवाज भी बदले। गांव से आबादी शहर की तरफ चली, जहां इंसान का रहना दुश्वार है वहां जानवर कैसे पाला जाए। फिर मुसलमानों ने कुर्बानी का फरीदा अदा करने के लिए बाजार से जानवरों को खरीदना शुरू किया और ऐसे लगने लगी बकरा मंडी है। और अहमदाबाद में भी लगी है बकरा मंडी, परंतु बारिश के चलते बकरा मंडी में काफ़ी मंदी है और व्यापारी हैं परेशान। लेकिन तंदुरुस्त और अच्छे जानवरों की आज भी मुसलमान कीमत देकर अपनी कुर्बानी के फराइज़ को अंजाम दे रहे हैं। देखें उसका उत्तम दृष्टांत, 210 किलो वजन का बकरा आज बिका बाजार में 2,51,000 रुपये में। और ऐसे ही 2.5 लाख रुपये में बिका एक बार। सभी दीन इस्लाम के मानने वालों को द राइट न्यूज़ की ओर से ईद उल अज़हा की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।